कल रात में से मुंह बना के बैठे गाँव में शाम में नहीं निकला और आए सेवर पे आप। ये हम कहाँ पे आए हैं? इस्लामाबाद। नाम क्या है यहाँ का? नाम है बारांदरी। तो ये बात है। अच्छा एक वक्त आएगा जब आप लोगों को बताएंगे मेरी बीवी का व्लॉग देखा करो। पेडिंग में प्रीपेड है, पोस्टपेड नहीं है। 10 वर्कर्स वाला KFC है इस्लामाबाद में और ये लोग डाइन नहीं देते, कहते हैं खाली टेक अवे ब्रांच है। अब हम लोग तो चले गए, हम नंबर पे जा रहे हैं हुज्जाज कद्दू और बाशु वैली और वहाँ पे जिस टूर कंपनी के साथ हम जा रहे हैं ना उन्होंने हमें यहाँ का टाइम दिया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और इतलाज हम आज कहाँ आए हैं पता नहीं। इतलाज ना मेरे से दो दिन से इस बात पर नाराज थे कि वो कहे थे कि उन्होंने सेवर खाना है और मुझे सेवर पसंद नहीं है। तो कल रात में से मुँह बना के बैठे हुए थे कि सेवर जाओ सेवर चलो, मैं तुम्हें हर जगह लेके जाता हूँ जहाँ जहाँ तुम कहती हो और तुम मेरे लिए सेवर नहीं जा सकती। तो इतलाज को आज फाइनली सेवर लेकर आ गई, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तेवर देखे अपने आपने कैसा लग रहा है अब आपको? गार्डन गार्डन नहीं हो रहा आज, नहीं हो रहा। चलो हम जाकर खा लो, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छा ये वाला ठीक है, स्पेशल वाला है, इसको ऑफ ऑफ कर देंगे। दादा जी ये वैसे नहीं खाता रोटी, ये वाला तो ठीक है सिंगल। तुम लोग भी देख लो चलो। ये जो है ऑर्डर आ चुका है और खा लो। एहतजाज के फ्लाव में शामिल ही आए, अब इनको टेंशन पड़ी हुई है फुल। एहतजाज आपको क्या टेंशन पड़ी हुई है? नो टेंशन है। आज फ्लाव में शामिल नहीं निकला और आए सेवर पे आप। बाद मैंने सेवर से ही रिफंड करवा दिया, आई डोंट नो कैसा है, मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा था। कैसा है? सेवर से खाना डन हो गया, कैसा लगा आपको अपना फेवरेट खा के? मज़ेदार यार, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने लाहौर वाला सेवर ट्राई किया था, वो बहुत बकवास था, इसलिए नहीं आ रही। हाँ हाँ मैं वही तो कही थी, सेवर बकवास होता है बकवास होता है, पर यहाँ वाला वाकई अच्छा था। अब हम बात मान के फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ 95%। देखिए मैं मरियम खान किसी की बात नहीं मानती, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात मानती हूँ। अभी भी आपको मेरे से यही बात नहीं मानती, जिस इंसान में मैं होना तो मैं ही होती हूँ और मैं बकरी होती है, मैं बकरी होती है। दुआ हाय, हम आप व्लॉग के में कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सेवर में? मलाइका मैम इधर देखिए ना, दुआ देखो सही दुआ। नूर आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके चेहरे में माशाल्लाह इतना नूर क्यों है? मुझे इस जगह का नाम नहीं आता, इस्लामाबाद वालों बता दो यार। हाँ जी हम कहाँ पे आए हैं? इस्लामाबाद। नाम क्या है यहाँ का? नाम है बारांदरी पार्क। आपको तो पूरे इस्लामाबाद का बड़ा पता है, बड़ी शौकिया मारते हैं, बताए ना। बारांदरी पार्क बता तो दिया है। दरी बिछाते हैं यहाँ पे? नहीं, बारह बजाते हैं यहाँ पे। बारह बजाते हैं लोगों के बारह इस टाइम गर्मी है ना।
5-6 बजे का टाइम है शाम का, लेकिन गर्मी मुझे तो लग रही है, आपको नहीं लग रही? धूप है देखो, ये मेगा जोन के बिल्कुल पास है। मेगा जोन, हमने मेगा जोन जाना था वो, और वहाँ पे हमने बॉलिंग करनी थी और मेगा जोन बंद है। अंकल आंटी का फोटो शूट तो देख लो, अंकल आंटी का फोटो शूट दिखाती हूँ। वो अंकल आंटी है ना, ये दो, दिस एंड दिस, ये दो, उनका फोटो शूट जो है वो चल रहा है फुल ऑन, वेरी उस तरह के पोजेज यू नो चल रहे हैं उनके फोटो शूट के। इस्लामाबाद की ढलती हुई शाम में मलंग सी है, रातें सुरंग सी। अच्छा, वो भी होता है। बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए। अच्छा, आप जैसे बच्चे इस गाने को कैसे गाते थे? लोग खुद ही समझ गए होंगे। अच्छा तो ये बात है। अच्छा, एक वक्त आएगा जब आप लोगों को बताएंगे मेरी बीवी का व्लॉग देखा करो, कहीं जैसे मैं अभी नहीं बताता। ऑर्डर नंबर है और वो प्रोसेसिंग में, प्रिपेयरिंग में है, वो प्रीपेड है, पोस्टपेड नहीं है। हमारा आ चुका है, इतना दास कह रहे थे कहीं पे बैठ के बारिश में खा लेते हैं, फिर से देसी रोज देसी ड्रिंक्स चल रही हैं बस। और यहाँ के KFC की एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ आपको, तो बता रही थी ना कि इस KFC की एक मज़ेदार चीज़ आपको बताती हूँ, ये F10 वर्कर्स वाला KFC है इस्लामाबाद में, और ये लोग डाइन इन नहीं देते, कहते हैं खाली टेक अवे ब्रांच है। अब हम लोग को चले कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जी डाइन इन वाला नहीं है, टेक अवे है। अब हम लोग ये रास्ते में बैठ खा रहे हैं, वो क्वेटा T20 जहाँ हमने लास्ट टाइम नाश्ता नहीं किया था, आप लोगों ने फैसल मस्जिद वाले ब्लॉग में देखा होगा, कोयटा T20 से KFC का सफर कैसा लग रहा है? कोयटा T20 से 4 महीने बाद KFC का सफर बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़ा लंबा टायरिंग डे गुजरा है यार। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहले सेवर गए हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमे इस्लामाबाद में ही, और फिर हम लोग जो हैं KFC गए हैं, और ज़िंदगी का पहला KFC है जो मैंने पैसे दे के भी सड़क पर बैठ के खाया, क्योंकि डाइनिंग ही नहीं था। और अब रात के 4:30 बजे जो है हम लोग जा रहे हैं डाइवो अड्डे पे, हम सोए नहीं हैं और अब हम जा रहे हैं। टॉप पे गाड़ियों की आवाज़ें आएंगी और हवाई जहाज़ की आवाज़ आएंगी। हाँ भाई यार, हम लोग ना इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 4:30-4:45 का सुबह का टाइम हो रहा है, और हम लोग डाइवो एक्सप्रेस टर्मिनल पे खड़े हुए हैं, और हम डाइवो में नहीं जा रहे हैं, हम लोग टूर पर जा रहे हैं हंजा स्कर्दू और बाशु वैली, और वहाँ पे जिस टूर कंपनी के साथ हम जा रहे हैं ना, उन्होंने हमें यहाँ का टाइम दिया हुआ था 4:30 बजे का, कि आपको यहाँ से पिक करेंगे टाइम 4:15 का बेसिकली, जो कि अभी तक पहुँचे नहीं है, वो कह रहे हैं 5 मिनट और। तो मैंने सोचा कि जो ब्लॉग चल रहा था उसको हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग शुरू करते हैं इसके बाद। हंजा के ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत फिट से, तो आप लाजमी देखिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कुछ बस यार, बोल बोल के थक गए।